गीता जी का ये एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसा कोई इशू सामने आता है वो अपना अपने से वो दोष जो है वो दुर्नीति का जो दाग जो है वो माने दूसरे के ऊपर दे देने का कोशिश करते हैं। पूरा जो है ना ये पूरा आई वॉश है, वो दिखाने का कोशिश करे कि वो अच्छा है, वो एकदम क्लीन है, ऑनेस्ट है, और उनका जो लोग करते हैं उनके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। कोई भी मोदी जी कोई भी पार्लियामेंट में कोई विषय में आइन लाएंगे और अच्छा माने संघ के संग ममता बनर्जी उसका विरोधिता करने में ये हो जाएंगे। 30% दुधेल गाय जो ये असामान्य बात आप ही लिखे है, दुधेल गाय दुधेल माने गाँव को जिसको बोलते हैं, आपको देखिए आप आपके लिए हम विरोधिता कर रहे हैं। बस मुख्यमंत्री बोलने के बाद पुलिस मंत्री बोलने के बाद पश्चिम बंगाल में अलग अलग जिला में जो ओसी है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि सीआईडी में भी तब्दीली आएगी, तो क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री कोई स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है अपनी इमेज बचाने के लिए? मुख्यमंत्री को मालूम चल गया है कि 13 साल 14 साल ये सरकार और ये मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के लिए कुछ नहीं किया है। अभी मुख्यमंत्री और हर टाइम कभी वो दोषारोप करते हैं उनका मंत्री उनका एमएलए एमपी को, और कभी वो अभी जैसा देख रहे पुलिस को वो दोषारोप कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं था कि आज उनका जो नेता मंत्री लोग दुर्नीति कर रहे हैं या पुलिस जो दुर्नीति करता है ये उनको मालूम नहीं था। वो तो पुलिस मंत्री है, वो इसमें उनका नेतृत्व में ये चोरी होता है उनको सब मालूम है। लेकिन ममता बनर्जी का ये एक ट्रेंड है कि जब भी ऐसा कोई इशू सामने आता है वो अपना अपने से वो दोष जो है वो दुर्नीति का जो दाग जो है वो माने दूसरे के ऊपर दे देने का कोशिश करता है। उनको कुछ मालूम नहीं है, वो है एलिस इन वंडरलैंड। अचानक से 14 साल बाद पश्चिम बंगाल में वो टपक पड़ा और टपक के उनको पता चला कि अरे ये तो दुर्नीति हो रही, अरे पुलिस तो दुर्नीति कर रहे, अरे हमारे एमएलए एमपी मंत्री वो लोग तो हॉकर बिठा रहे। हट नहीं ऐसा अचानक ये नाटक करना कि उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनको सब मालूम है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे राजीव हमारे डीआईजी को, राजीव तुम नहीं करते हो लेकिन तुमको हम बोलते हैं तुम्हारा पुलिस। अरे आप किसको बोल रहे हैं, कौन राजीव कुमार को आप बोल रहे हैं जिसका ऊपर इतना दुर्नीति का आरोप, वो लाल डायरी नील डायरी जिसके लिए आप रास्ते में बैठ गए थे अब उसको बचाने का बोल रहे कि तुम नहीं करते हो लेकिन तुम्हारा पुलिस। तो ये पूरा जो है ना ये पूरा आई वॉश है, वो दिखाने का कोशिश करे कि वो अच्छा है, वो एकदम क्लीन है, ऑनेस्ट है, और उनका जो लोग करते हैं उनके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन ये बात नहीं है, वो 70-30 का हिसाब मालूम है ना, 75-25 का हिसाब वही चलता है, और बीच बीच में उनका ये नाटक हमको देखना। मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि पुलिस का एक सेक्शन सरकार को पसंद नहीं करते, इसका मतलब क्या सरकार बोले तो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, क्या मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये अभी एक साल बाकी है 26 का इलेक्शन, और ये जिस तरह से ये सरकार के जो फेस वो पूरा खत्म हो गया जनता जनार्दन के सामने, अभी उनको रिवैम्प करने के लिए उनको ये दिखाना है कि देखो भाई हम ऑनेस्ट है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम सादा साड़ी पहनते हैं, मेरा सादा साड़ी में ना खून का दाग है ना दुर्नीति का काला दाग है। नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको सब मालूम है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको दुर्नीति का विषय मालूम नहीं था। आज आसनसोल में मेरा उधर मेरा जिला में आज जगह जगह में ओसी को ट्रांसफर किया जा रहा है, ओसी किसका निर्देश से करता है? आज बालू चोरी जो हो रहा है किसका निर्देश से कर रहा है? आज जो कोयला चोरी हो रहा है और ट्रक के ट्रक पर ट्रक में एकदम हिसाब लिखा हुआ है, इतना ट्रक जाएगा 500,000 ट्रक इस एरिया से मुझे इतना देना पड़ेगा थाना में, सीपी साहब आपको मालूम नहीं है? अरे आपका ओसी को ट्रांसफर करने से पहले पहला दिन से हम लोग बोल रहे आपको ट्रांसफर होना है। सीपी जो आसनसोल कमिश्नरेट का सीपी, यू आर हैंड इन ग्लव्स, आपको मालूम नहीं है ये हो नहीं सकता है, यू आर कम्प्लीटली इन टू इट, क्योंकि सारा जगह से बालू कोयला पत्थर का पैसा कलकत्ता में घुस रहे है, खाली घाट में घुस रहे है, शांति निकेतन में घुस रहे है, और कहां कहां घुस रहे है। हम लोग को बुर्बक मत बनाइए, 14 साल बुर्बक बने हैं और नहीं।
एनाफ इज एनाफ। कुछ भी इसका कोई मायने ही नहीं है। कोई भी मोदी जी कोई भी पार्लियामेंट में कोई विषय में आइन लाएंगे और अच्छा मैंने संग के संग ममता बनर्जी उसका विरोधी तक करने में ये हो जाएंगे। आप वाकफ मैंने प्रॉपर्टी हड़प लिया जा रहे उसका हिसाब दीजिए। हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे। आज भारतीय न्याय संहिता सारे हमारे महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अत्याचार करेगा उसका फांसी होगा, उसका विरोधिता किया ममता बनर्जी। और जब हमारे आप क्या बोले वो अर्जी करके अभया का जब केस हुआ तब पलटी खा के बोले हम अपराजिता बिल ला रहे। क्या मायने है अपराजिता बिल का? सारा भारत में जब भारतीय न्याय संहिता हो रहा है आप अपराजिता बिल ला रहे। सारा भारत में जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में लाया जा रहा है आप इधर वक्फ बिल का विरोधिता करके ला रहे। किस लिए ला रहे? सिर्फ इसीलिए ला रहे ताकि उनका माइनॉरिटी जो वोट बैंक है सिर्फ और सिर्फ उनको मैसेज देना कि 30% दुधेल गाय जो ये असामान्य बात आप ही लिखे है दुधेल गाय दुधेल माने गाय को जिसको बोलते हैं आपको देखिए आपके लिए हम विरोधिता कर रहे हैं वक्फ बिल का। बस यही इंटेंशन है, बस राजनीति करना है और कोई इसका और इम्पोर्टेंस कुछ है। বাংলা হাটের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হাট।